भाई आज मुझे बिंदु की याद आ गई. हाँ? पुरानी सहेली है? सहेली तो पुरानी है, मेरी प्यारी बिंदु. एक्चुअली ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. अच्छा. मेरी प्यारी बिंदु, और इसमें जो दो कलाकार काम कर रहे हैं. हाँ. वो दोनों मुझे पर्सनली बड़े प्यारे लगते हैं. अच्छा. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इस खूबसूरत सी लव स्टोरी के नायक और नायिका. हाँ. द वेरी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना एंड ब्यूटीफुल परिणीति चोपड़ा. हाँ जी. दिलों में बसता है वो नाम सबकी जबान पे है. आयुष्मान को देखकर लड़कियों का दिल सातवें आसमान पे है. और परिणीति के रूप की बहार से खिल उठी है महफिल, और मेरे दिल की नदी का पानी खतरे के निशान पे है. वाह, क्या बात है, शाबाश. कपिल भाई, आपने एंट्री के टाइम पे बोला था कि टैलेंटेड आयुष्मान एंड ब्यूटीफुल परिणीति. वो टैलेंटेड नहीं है मतलब? परी या मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं? ये नहीं, ये फूट डलवाने की कोशिश कर रहा परी. हम दोनों के बीच में ना एक्चुअली दुनिया को हमारे प्यार के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कपिल. ओए होए होए, ये तुमने आज से पहले कभी नहीं कहा. मैं पतला हो गया हूँ क्या इसलिए? क्योंकि मैं भी पतली हो गई हूँ ना. ये तो है. अब मैं क्या बोलूँ. अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था मुझे लड़कियां फॉलो करती हैं. रियली? अब परिणीति ने देख लो वजन कम कर लिया, गाना भी गाती है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. तो इतनी मेहनत करने क्या जरूरत? तुम मुझे सीधा सीधा प्रपोज करती, मैं तब भी मना नहीं करता. परी, पर एक्चुअली परी तुमने कितना वेट कम किया है? 17. आपको कैसे पता? पता है, मेरा तो कभी पूछा नहीं. क्योंकि एक लड़की उस कम हो गई लगती है. एक्चुअली छोटी टीनेजर लड़की 8th स्टैंडर्ड की 17 किलो अगर कम किया है. हां, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. थैंक्स कपिल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड हॉट. अच्छा परी, शेर आपने बड़ा कमाल का कहा, एक तीर से दो निशाने. आयुष्मान को भी कवर कर लिया. हां. परिणीति को भी. हां. मतलब मिनिस्टर भी आपने बनना है. फ्लर्ट भी आपने करना है. दुनिया में आप ही आए हो, हम तो ऑक्सीजन घेर रहे हैं लोगों की फालतू. एक्चुअली सारा काम मेन यही कर रहे हैं. अच्छा, मेरी प्यारी बिंदु नाम सुन के बड़ा मजा आ रहा है. हाँ. मैंने वो देखा भी, उन्होंने मुझे दिखाया वो ट्रेलर, बड़ा खूबसूरत है फिल्म का, और अलग सी लव स्टोरी है. अच्छा, आजकल ये फिल्म उस दौर की लगती है जब लड़कियों के नाम बिंदु हुआ करते थे. है ना, आजकल तो बिंदु दारा सिंह आने लगे. ये किस दौर की लव स्टोरी वैसे? एक्चुअली इतनी पुरानी है नहीं, 90s की पिक्चर है. अच्छा. लेकिन जो कैरेक्टर है बिंदु का, उसको एक्चुअली रॉकस्टार बनना है. Okay. फिल्म में वो सिंगर है, एंड वो चाहती है कि वो एक बहुत बड़ी सिंगर रॉकस्टार बने. और Okay. उसको भी अपना नाम एक्चुअली बिंदु पसंद नहीं है. वो बोलती है कि मेरा नाम बिंदु क्यों है, बिंदु के साथ तो मैं कभी रॉकस्टार बन नहीं पाऊंगी. तो ये सच है कि उस एरा की है जब बिंदु होते थे नाम. तो उसने नाम चेंज नहीं किया? 90s नहीं, 80s से फिल्म स्टार्ट होती है और 2017 तक चलती है. वैसे ऐसी बात पाजी, आपको लगता है कि बिंदु नाम हो तो हिट नहीं हो सकता? तो मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा. जैसे शकीरा है. हाँ. मान लो उसका नाम होता कमला देवी. Ladies and gentlemen, please welcome कमला देवी. नहीं, फिर पाजी वो कमला नहीं, कमली हो जाती ना. कमली हो जाती है. एक्चुअली नाम में फर्क तो पड़ता है. तुम्हें क्या लगता है परी? मुझे भी लगता है यार. तुमने बचपन से ही नाम परिणीति था ना? हाँ, एक्चुअली मेरा पेट नेम जो है वो टिशा है, जो मुझे लगता है बहुत कूल है. परिणीति ठीक ठाक. टिशा भी तुम्हारा नाम है? हाँ, परी भी तुम्हारा नाम. प्लीज वेलकम, आइए, जोरदार तालियां परिणीति और आयुष्मान के लिए. परी, आयुष्मान आप पहली बार दोनों ही एक्चुअली ये वाले शो पे आप पहली बार ही आए ना? ये वाले सेट में. हाँ. पहली बार, पुराने घर में तो बहुत बार. हाँ, इसीलिए बंद किया था हमने. आज के एपिसोड के एंड तक मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि मैं तुमको डेट करने वाली हूँ कि नहीं, तो बिहेव वेल. राजा, आज तेरा दिन अच्छा है, मैं बता रहा हूँ. आज हर गेंद बल्ले पे लग रही है, नहीं तो जो लड़की आती तुझे भैया ही बुलाती है. कौन लड़की? एक सोनाक्षी ने बोला था बस. आपने बात उठा दी ज्यादा. और कुछ हुआ नहीं परी, इट्स नॉट लाइक दैट. ये बातें कैमरा ऑफ होने के बाद करते हैं. ओके. आयुष्मान इस फिल्म में राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं. पहली बार होगा किसी राइटर को बहुत पैसे मिलेंगे. ये हमारे किसी राइटर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है. निकनेम की बात करना चाहता हूँ कि इसमें फिल्म के अंदर मेरा निकनेम बुबला है. क्या है? बुबला. ओबीमोनी रॉय है फिल्म में नाम, लेकिन डार्क नाम बुबला है. ये नाम है कि इसका जूस निकलता है? बुबला. अच्छा परिणीति, एक बात बताओ. आयुष्मान आप दोनों ही गाते हो, बड़ा अच्छा गाते हो, तो हम आपसे वो एक एक गाना जरूर सुनेंगे.
बाद में एक्चुअली आयुष्मान अभी सुन लेते हैं एक्चुअली किस चीज का बेटा ऐसा लग रहा है ये सुना दे आज ये बहुत म्यूजिकल एपिसोड होने वाला है क्योंकि हम तीनों गाने के बहुत शौक है तो आज महफिल होने वाली है मॉडर्न कॉमेडी एक्चुअली मैं तो कह रहा हूं तुम लोग फिल्मों में इतना बिजी हो मैं तो कहता हूं कहां फिल्मों में पड़े हुए ऐसे करोड़ों रुपए कमा रहे हो कव्वाली का ग्रुप बनाते हैं अपना नहीं कव्वालियां करते हैं भाजी उसका नाम रखेंगे जस्ट कव्वाली भाजी आप जब शादी हुई आपकी आपके बचपन के प्यार से हुई ना हां क्या बात है यार बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल बात है ये भाजी बचपन के प्यार से शादी करने में क्या फायदा है मतलब बीवी से डर कम लगता है भाई ज्यादा लगता है तू क्यों टिप्स ले रहा है एकदम से अभी सारी पोलें पता होती हैं बीवी को तू भाई ऐसा तो नहीं है कि तेरी शादी होने वाली है ना नहीं 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 ना तो फिर बेगानी शादी में कपिल दीवाना नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ वैसे नहीं पर तू एमी हर एक से पूछ रहा था खुद करवाता नहीं तीन में नहीं तेरा में नहीं टोकरे वाले बेरो में नहीं प्लेरो में नहीं बेरो में नहीं है क्या है हाँ पाजी इस शो पे जो भी एक्ट्रेस आती है उससे पहले फ्लर्ट करना बंद करेगा तो कुछ होगा ना लाइफ में बस आदत बदली नहीं करेक्ट ठीक है मैंने किया मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को बुढ़ापे में जाएगा तो पछताएगा क्यों क्योंकि एक चीज ऐसी जाएगी जो वापस नहीं आएगी जवानी मुझे लगता है बुढ़ापे में और ज्यादा मजा आता होगा कैसे अब मियां बीवी एक टाइम पे जाकर तो दोस्ती हो जाते हैं उसके बाद अभी ये प्यार व्यार रोमांस तो चलो हो जाता है एक उम्र के बाद 60 65 70 के बाद या 75 के बाद फिर तो तकरीबन बातें ही होती हैं आपस में मतलब आई मीन टू से कि एक यारी दोस्ती होती है मैं कहता हूँ आपस में बैठ के प्यारे प्यारे पोपले मुंह हो जाते मजा आता है उन्होंने खाना खाया मेरी नानी मेरे को बड़ी क्यूट लगती थी मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है आई लव हर आई मिस हर सो मच वो चीकू खाती थी ना तो मुंह भी चीकू जैसा आ जाता था बड़े क्यूट लगते हैं एक्चुअली नहीं लगते पर हाँ तो शादी करा ले 40 के बाद सेल खत्म हो जाते क्या खत्म हो जाते सेल खत्म हो जाते हमारा क्या है ना सेल वाला सिस्टम नहीं हम जनरेटर पे हैं यार बात है वेरी गुड कपिल यार पाजी क्या यार आप बड़ा ही शरारती बताया यार अच्छा मैं हूँ भाई बात खुद करके मेरे पे डाल रहे हैं वाह मैंने कहा की थी ये लड़की पीछे बैठी है इसने कान में फूंक मारी कौन कौन लड़की ये वाली अच्छा जो पीछे बैठी है आपको कैसे पता रहता है मैं तेरी नजरों से देखता रहता हूँ देखा ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन परिणीति है ना बाजी फिल्म में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनी है अच्छा तो ये तमिल में बोलती हैं है? परी सिद्धू पाजी बहुत भारी बहुमत से जीते हैं दो डिपार्टमेंट के पास उनकी तारीफ में तमिल में कुछ बोलो मैं सच बोलना चाहती हूँ कि मुझे तमिल नहीं आती मैंने डायलॉग याद करके बोल दिया था बस कोशिश करो कोशिश करो हमें कौन सा पता चल रहा है कोई है यहाँ पे तमिल बोलने वाला कोई नहीं कोई नहीं हाँ कोई ना कोई तो होगा यार नहीं है यार दास दादा बोलते हैं दास दादा चलो बोल दास दादा है आपको आती है ना बड़ा हो जाओ दास दादा दास दादा आपकी वाइफ तो तमिलनाडु से है ना कलकत्ता की हो आप भी कलकत्ता से हो हमारी पिक्चर भी कलकत्ता से तो आप बंगाली में बोलो सिद्धू पाजी आप बहुत हैंडसम हो ऐसा बोलो सिद्धू जी आपनी अनेक भलो लागछेन आमी तुम्हारे भालोबाची दास दादा आप इतने सालों से आप हमारी खींच रहे हैं फोटो आपने हमें कभी बंगाली क्यों नहीं सुनाई सर आपने कभी पूछे ही नहीं मैं अब आप बंगाली में बोलो कपिल मुझे तंग करना बंद करो मुझे मरना नहीं है अरे एक्चुअली आप बोल रहे दास दादा की एज गेस करो 24 तुमसे तो कम है नहीं मजाक नहीं चलो एक बात की गारंटी है इनके सेल खत्म है पाजी आपको कैसे पता मेरे को इसलिए पता है कि हमारे वहां एमपीए में उनका नाम नहीं लूंगा पाजी तो आप नाम मत लो उनको तो पता चली जाएगा तो वो बहुत मोटे थे एक दिन पैंट पहन के आ गए तो वो इवेंट टू द लू बाथरूम वाथरूम करके बाहर आए तो मैं कहा पाजी थोड़ा पोस्ट ऑफिस खुला है कहना काका जिन तिजोरियों के खजाने लुट जाते उन्हें ताले नहीं लगाते पर
ये दास दादा भी उसी बोट में टाइटैनिक में. आज से नवजोत सिंह सिद्धू जी का नाम नॉटी सिद्धू. दास दादा एक्चुअली दास दादा की एज गेस करो प्रणी. दास दादा आपकी एज होगी 47 50. मैडम मेरी बेटी का एज है 32. अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा मैथमेटिक्स जो पढ़ाई करके आई थी बाहर से. मैं शॉक में हूँ. 60 65. दास दादा आई लव यू. वाओ दास दादा बहुत फिट हो. आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू. थैंक यू मैम. आजकल मैं फिट लोगों पे नजर रखती हूँ तो. दास दादा जैसे परिणीति आप पे लाइन मार रही है तो दास दादी को अपना आपकी वाइफ को. मैं लाइन नहीं मार रही हूँ यार. मतलब उनको बुरा तो नहीं लगेगा. नहीं नहीं मैं दास दादी को. दास दादी अच्छा इससे पहले कि हम मेरी प्यारी बिंदु की बातें करें और भी और क्या क्या कर लेते हैं. वॉशिंग मशीन खोल के फिट कर लेते हैं. इतने सारे टैलेंट आप में छुपे पड़े हैं क्या आप बताएंगे हमारी जनता. जब बचपन में शादी हुई थी ना वॉशिंग मशीन फिट करनी आपको आ जाती है. बात रुक जाए. सिद्धू जी कैसा है. बहुत बढ़िया. हाउ आर यू गाइस. गाइस भाईस भाईस गाइस गाइस भाईस भाईस गाइस गाइस भाईस गाइस भाईस गाइस गाइस भाईस गाइस गाइस भाईस भाईस गाइस गाइस भाईस गाइस 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 भाईस भाईस. आयुष्मान जी नमस्ते. परिणीति जी नमस्ते. हाय नमस्ते. कैसे हैं आप. लल्लन टॉप. अरे ये हुई ना बात. लेकिन आप तो बता रहे हैं दिन ब दिन खूबसूरत पे खूबसूरत हो जा रही है. सच में कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद लोग आपको चांद समझ के अपना व्रत तोड़ना शुरू कर दें. आयुष्मान जी आपको भी बहुत फिल्मों में देखा. वो अपना ये DDLJ कुछ कुछ होता है हम आपके कौन. इन सारी फिल्मों में तो है ही नहीं. नहीं नहीं हमने इनको देखा. वो कॉर्नर सीट पर बैठे थे. अरे हम भी थे वहां सिनेमा में. कॉर्नर की सीट पे एक लड़की के साथ बैठे थे. लड़की फिल्म देख रही थी ये लड़की को देख रहे थे. वो अच्छा है हमें पसंद है. वो जो आप जो सेम लाइन लड़कियों को बोलते हैं ना कि मिलते रहना लाइफ बना दूंगा. मजाक कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन पता चला है आपकी फिल्म आ रही है क्या अपना मेरी प्यारी बिंदु. ये नाम आपका ऐसा अधूरा सा नहीं लगा. नाम ऐसा होना चाहिए था मेरी प्यारी बिंदु. हम यहाँ पर कुशल मंगल हैं. आप वहां पर कुशल मंगल नहीं हैं. आपका अपना आयुष्मान. ये ऐसा ना पत्र लिखना है तो पूरा लिखिए ना यार. पूरा वाला पत्र क्या लिखे है. पूरा ये कहानी का टाइटल था कि आप अपनी मासी को चिट्ठी लिख रहे हैं. पूरा क्या होता है. पूरा ये देखो जैसे ये पूरे हैं. एक्चुअली बात सही है. जैसे ये पूरे हैं. पूरा नहीं ये राक्षसों का भटूरा है ये. भटूरा. कपिल शर्मा एक बार क्लैरिटी में बता दीजिए पूरा जिंदगी में आप कितना टोकने वाले हैं. नहीं सच में हमने एवरेज निकाला है कि हमारी हर 3 लाइन के बाद इनके एक वे टोकने वाली लाइन आती है. एक और चीज है. एक और चीज है. रुकिए रुकिए. आज देखिए आज आपका कैसे काम तमाम करते हैं हम. ये बात हमने मान ली. हम मोटे हैं ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है. अब ये एक्सेप्ट करके आपके 70% जोक तो खत्म हो गए. अब क्या बोलेंगे आप. बच्चे आपके 30% जोक जो आपके चोटी पे होंगे इसको भी काट के आ जाएंगे. आपका तो धंधा बंद. फिर क्या बोलेगा आदमी. क्या बोलेगा. क्या खुश हो गए आप. हाँ हम खुश हो गए. अभी जाके भैंस को नहला दीजिए. वो ना कराइए. मैं उसको कह रहा हूं. कोई बात नहीं ऐसा नहीं. He's just Julius. एक बात बताएं आपको आप यकीन नहीं करेंगे. कौन सी बात. यकीन नहीं करेंगे तो क्यों बताए. देखिए परिणीति जी हमारे जोक्स पे ऐसा खिल खिल के हंस रही है ना.
और आपको तो पता है दुनिया जानती है लेडीज हंसी तो फंसी। वैसे आयुष्मान जी जी, हम एक ऑफर देने आए हैं। हम आपको लेकर ना एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वैसे आयुष्मान। फिल्म में म्यूजिक देंगे गुरदास मान। फिल्म का नाम होगा मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और फिल्म को हम फ्राइडे को रिलीज नहीं करेंगे, रिलीज करेंगे ऑन मंडे। देखिए ये बातें करके कैसे आपका मान हमने बढ़ा दिया ना एकदम। बच्चा जी आज आपने कोई जोक नहीं सुनाया वैसे कोई? अरे नहीं, बहुत मजा आ जाएगा लोगों को। नहीं नहीं सुनाओ तो सही। अरे रहने दीजिए लोगों, क्या कॉमेडी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर जाते हैं ना, फिर ऐसे ज्यादा हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, आने दो मजा। सुना दे यार, सुना दे यार, आने दो मजा, सुना दे यार, सुना दो, सुना दो, सुना दे। हाँ चलिए सुना देते हैं। अभी हंसते हंसते आपके पेट में मतलब ऐसा कोई हादसा हो गया यहाँ पर, हमें माफ कीजिए। नहीं आपका दिल नहीं करना तो रहने दो। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, सुनाते हैं ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, रहने दो। अरे नहीं रुकिए ना। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का थोड़ा फनी है। एक बार एक लड़का होता है, फिल्म देखने जाता है, वहां पे वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ 17 लोगों को और लेकर जाता है। पूछे क्यों? क्यों? पोस्टर पे लिखा होता है अबाउ 18 ओनली। अबाउ 18 पे। अच्छा इसमें कहां आपको ज्यादा मजा है, हमें तो आया नहीं। आपके मजे के लिए नहीं है, वो लड़कों को आया ना मजा आइडल फिल्म देख के। ओह माय चीक्स आर हर्टिंग। वैसे परिणीति जी अब गोलमाल 4 कर रही हैं जी, तो ये एक तो अपने रोहित शेट्टी बना रहे हैं, बाकी की 3 कौन बना रहे हैं? वो तीनों बन चुकी है पहले से ही, मैं चौथी वाले में आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये गोलमाल पे भी कोई जोक सूझा नहीं आपको? ये गोल है, माल है, खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलेंगे नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।